दुनिया भर में मौजूद तमाम कामयाब और दौलतमंद अफराद की कुछ आदत एक जैसी होती हैं। दरअसल ये वो आदत होती हैं जो लोगों को कामयाब बनाती हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी आदत हैं जो कामयाब और दौलतमंद अफराद सुबह उठकर अंजाम देते हैं? तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेजबान सदफ मंजूर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आवाज़ खल्क उर्दू। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी आपकी मेज़बान एक नई मुनफरद और दिलचस्प वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वीडियो में आपको चंद ऐसी आदत बताऊंगी जो दुनिया भर के कामयाब लोगों में पाई जाती हैं। आप भी इन आदत को अपनाकर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए नाज़रीन, आज की इस मुनफरद और दिलचस्प वीडियो का आगाज करते हैं, मगर इससे पहले आप जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिले। याद रखें कि अगर आप अपनी सुबह का आगाज सही अंदाज से करेंगे तो आपका सारा दिन अच्छा गुजरेगा। यही वजह है कि कामयाब अफराद अपनी सुबह का आगाज बेहतरीन तरीकों और आदत से करते हैं। पहली आदत, सबसे पहले उठना। सुबह उस वक्त उठना जब सब सो रहे हों, यकीनन ये एक मुश्किल काम है, लेकिन दुनिया के 90% कामयाब अफराद इसी आदत के पाबंद हैं। सुबह का वक्त तख्लीकी सलाहियतों के इस्तेमाल के लिए बेहतरीन है। इस वक्त कोई चीज आपके काम में खलल नहीं डालती और आप पुरसुकून होकर बड़े से बड़ा काम सरंजाम दे सकते हैं। सुबह जल्दी उठ जाने से आपको दिन के कई घंटे इजाफे मिल जाते हैं और आप अपने कई काम मुकम्मल कर सकते हैं। यही नहीं, आप अपने ऑफिस या किसी दूसरे काम पर जाने के लिए जहनी और जिस्मानी तौर पर आराम से तैयार हो सकते हैं। दूसरी आदत, जिस्म को मुतहरिक करना। अगर आप सुबह जल्दी उठ गए हैं लेकिन नींद में हैं तो जल्दी उठने का कोई फायदा नहीं। नींद भगाने और फौरी तवानाई हासिल करने का बेहतरीन तरीका वर्जिश है। जरूरी नहीं कि आप कोई भारी भरकम वर्जिश करें जो आपको थका दे, इसके लिए हल्की फुल्की चहलकदमी भी काफी होगी। सुबह वर्जिश आपके जिस्म के बंद आजा को खोल देती है और वो बेहतरीन तौर पर अपने अफाल अंजाम देते हैं। तीसरी आदत, भरपूर नाश्ता। सुबह का नाश्ता बेहद जरूरी है। जदीद तहकीक के मुताबिक ये न सिर्फ आपकी तवानाई में इजाफा करता है बल्कि आपको मोटापे से भी बचाता है। अक्सर अफराद सुबह भूख ना लगने की शिकायत करते हैं जिसका बायस वो नाश्ता नहीं करते और यूं ही सारा दिन गुनूदगी और थकन का शिकार रहते हैं। सुबह हल्की फुल्की वर्जिश से आपको भूख भी लग जाएगी और आप एक बेहतरीन नाश्ते के साथ अपने दिन का आगाज कर सकेंगे। अपने नाश्ते में प्रोटीन जैसे मछली, अंडा, दलिया वगैरह शामिल रखें और गैर सेहतमंद गजाई अज्जा से परहेज करें। चौथी आदत, बाखबर रहना। सुबह घर से निकलने से पहले हालात से बाखबर रहें। अक्सर आधी रात में कोई ऐसा वाकया रुनुमा हो जाता है जो अगली सुबह सबकी जबानों पर होता है। अगर आप अखबार नहीं पढ़ेंगे तो आप बेखबर रहेंगे। नाश्ते के दौरान सरसरी सा अखबार पढ़ने को अपनी आदत बना लें। पांचवी आदत, फहरिस्त बनाना। अपने दिन भर में सरंजाम दिए जाने वाले कामों की फहरिस्त बनाएं। ये काम आप उस वक्त करें जब आप सुबह सादिक में उठें। इससे एक तो आपको कामों को निपटाने में आसानी होगी, दूसरा आप अपने लिए टारगेट सेट कर सकेंगे कि फलां काम आज हर हाल में अंजाम देना है। दिन के अख्तिताम पर इस फहरिस्त को देखें और जब आप देखेंगे कि आप ये तमाम काम अंजाम दे चुके हैं तो आपको सुकून और खुशी का मीठा एहसास होगा। छठी आदत, आने वाले वक्त की मंसूबा बंदी करना। सिर्फ एक दिन की मंसूबा बंदी करने के साथ साथ आने वाले वक्त की भी मंसूबा बंदी करें कि मुझे कल क्या करना है, कौन सा काम किस तारीख और किस वक्त करना है और मुझे अगले 6 महीनों में क्या क्या करना है, ये सब पहले से डिसाइड करें। अपनी जिंदगी का एक वाज़ह मकसद बनाएं और हर रोज इस तक पहुंचने के लिए कदम कदम आगे बढ़ें। याद रखें, अमीर और कामयाब तरीन लोग एक रात में ही इस मकाम तक नहीं पहुंचते। उनकी कामयाबी के पीछे बरसों की मेहनत, रत जगे और कठिन दिन होते हैं जो अमूमन लोगों की नजरों से ओझल रहते हैं। सातवीं आदत, उम्मीद का दामन थाम कर रखें। हर नया तुलू होता सूरज नई उम्मीदें और मौके लेकर आता है। कभी भी ये मत सोचें कि आज आपका बुरा दिन है। हो सकता है दिन के अख्तिताम पर आपके लिए कोई बेहतरीन चीज मौजूद हो। अगर कोई ऐसा दिन आ जाए जो आपके ख्याल में बुरा दिन है
तो इसके बारे में ज्यादा मत सोचें, बल्कि ये समझें कि ये खुदा की तरफ से आपके लिए बेहतरीन तोहफा है, क्योंकि इस दिन में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और ये भी एक हकीकत है कि इंसान हमेशा बुरे दिन और बुरे वक्त में ही सीखता है, और बुरे वक्त में सीखा हुआ सबक हमेशा याद रहता है। अगले दिन में यकीनन आपके लिए कुछ बेहतरीन होगा। मायूसी और नाउम्मीदी से दूर रहें, क्योंकि अहदीस में मायूसी को कुफ्र कहा गया है। खुदा की जात पर भरोसा और अपनी जात और सलाहियतों पर कामिल यकीन रखें, और हर हाल में खुदा ताला का शुक्र अदा करते हुए खुश रहने की कोशिश करें। यकीन करें आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे अगर आप इन आदात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। जी तो नाज़रीन, आज की ये मुनफरिद और दिलचस्प वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। तो नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपनी मेजबान सदफ मंजूर को दीजिए इजाजत। अपना रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।